हेलो दोस्तों दोस्तों अगर आप ग्रोसरी में या फिर फार्मा रिटेल में अगर वर्क करते हैं तो वहां पे जो है आपको कुछ कस्टमर ऐसे भी होते हैं जिनको आप उधारी में बिलिंग करना चाहते हैं और बाद में जो है वो आपको पेमेंट देते हैं और बाद में भी जो है कंप्लीट पेमेंट नहीं देते, कुछ पेमेंट देते हैं जिससे और भी उस पर बैलेंस जो है बना रहता है। तो ये आपको कैसे करना है, तो आप ध्यान से देखें, जब भी आप सेल करेंगे, अब सपोज कि मैं फार्मा में ही जो है सेल कर रहा हूँ, आप ग्रोसरी से भी रिलेट कर सकते हैं और कोई भी अगर आपका रिटेल का बिजनेस है उससे रिलेट कर सकते हैं आप। अब आप ध्यान से देखिए, मैं यहां पे बिलिंग कर रहा हूं। अब जैसे ही मैं बिल को सेव कर रहा हूं तो यहां पे पेशेंट मोबाइल नंबर है। अब जैसे यहां पे आप मेंशन करेंगे, जैसे कि मैं कोई भी रफली एक मोबाइल नंबर एंटर करता हूं और उसके बाद आप इसे यस करें, न्यू पेशेंट, ठीक है। उसके बाद जो भी इनका नाम है, नाम मेंशन करें, एड्रेस है और जो भी ये डिटेल्स आपको फिल करनी है तो आप फिल कर सकते हैं। और उसके बाद जैसे ही आप लास्ट एंटर करेंगे, जब ये जो आपका ये फॉर्म आपको दिखाई दे रहा है तो यहाँ पे जो है आपको बताना होता है। बाय डिफॉल्ट आप क्या है, कैश पे ही एंटर कर देते हैं क्योंकि मैक्सिमम 98% तक जो भी आपके कस्टमर हैं मोस्टली कैश के ही होते हैं। 2 से 5% के ऐसे केस होते हैं कि कस्टमर आपका उधारी वाला है, आपसे जो है सामान जो है दवाई, अगर आपका रिटेल स्टोर है तो आपसे दवाइयां उधार लेता है, अगर ग्रोसरी स्टोर है तो वहां से आपका जो ग्रोसरी प्रोडक्ट होते हैं वो उधार लेता है और महीने में फिर आपका एक बार हिसाब करता है वो। तो उसके लिए क्या है, बाय डिफॉल्ट यहाँ पे कैश ना चूज करें, आपको यहाँ पे एक अलग से लेजर बनाना पड़ेगा और लेजर बनाने के लिए आपको यहाँ पे F2 करना है। अब जैसे ही आप F2 करेंगे, F2 करने के बाद आपको बाय डिफॉल्ट यहीं पे सिलेक्टेड रहेगा संडी डेटर, तो आपको इसी पे एंटर करना है और उसके बाद आपको दोबारा से जो है उसका नाम पूरा प्रॉपर यहाँ पे मेंशन करना है और उसके बाद जो भी उसका नाम है, जो भी उसका एड्रेस है, जो भी उसका मोबाइल नंबर है दोबारा से अगर यहाँ पे मेंशन करना चाहें तो कर सकते हैं, नहीं तो नाम डालकर भी आप उसको मैनेज कर सकते हैं। उसके बाद आप यहाँ पे Ctrl+W करके सेव कर दें और आपको जो है ये और भी उसकी डिटेल फिल करने का आपको ऑप्शन मिलेगा, तो इसको आप स्केप कर दें सिंपली और यहाँ पे आप चूज कर लें शर्मा और इसकी आप बिलिंग करें। अब जैसे ही आप सेव करेंगे बिल को, जैसे कि आप देख पा रहे हैं तो यहाँ पे ₹113.20 की उसकी बिलिंग हो चुकी है। आपको यहाँ कुछ मेंशन नहीं करना, आपको एंड के बटन से ही बिल को सेव कर देना और आपका बिल सेव भी हो जाएगा। अगर आप इसी चीज को अगर बाय डिफॉल्ट अगर आपने कैश चूज किया होता और इस चीज को आप बिना अमाउंट डाले करते तो नहीं होता। अब इस जो आपका ये शर्मा जो इसमें पेशेंट ऐड है, इसके पीछे आपका एक लेजर है यानी कि खाता है, इस वजह से आपने सेव किया और ये सेव हो गया है। आप इसको नॉर्मली जो है बिल वगैरह दे सकते हैं, सिंपली बिल दे सकते हैं। अब जैसे मान लीजिए अब ये महीने में आपका जो है हिसाब करते हैं तो आप यहाँ लेजर अकाउंट पे क्लिक करेंगे। अगर आपके पास बेसिक एडिशन है तो ये बटन्स नहीं आते उसमें, उसके लिए आप क्या है बुक्स में जाएंगे और ऑल लेजर पे आप क्लिक करेंगे और यहाँ पे आप उसका खाता सर्च करेंगे शर्मा। तो देखिए यहाँ पे शर्मा जी से जो है आपको ₹113.20 आपको लेने हैं। अगर आपको ये भी देखना है कि कैसे इनके ₹113 बन रहे हैं तो इसी पे आप एंटर करके डेट डिफाइन करके आप उनका स्टेटमेंट देख सकते हैं कि इनके पास जो है एक बिलिंग जा चुकी है और उसमें क्या गया है दोबारा से एंटर करके आप देख सकते हैं। अब जैसे ही ये आपको पेमेंट कर रहे हैं तो आपको रिसिप्ट पे क्लिक करना है। अगर आपके पास बेसिक एडिशन है तो आप वाउचर एंट्री में जाके रिसिप्ट पे क्लिक करें और रिसिप्ट पे दोबारा से क्लिक कर दें और यहाँ पे आपको जो है डेट चूज करनी है जब भी वो आपको पेमेंट दे रहे हैं और यहाँ पे चूज करना है आपको शर्मा, जैसे कि बाय डिफॉल्ट सिलेक्टेड है, अगर आप सर्च करना चाहें सर्च भी कर सकते हैं। उसके बाद आप यहाँ पे सपोज दैट कि ये ₹113 का इनका बिल है बट ये आपको ₹100 दे रहे हैं तो आपने यहाँ पे ₹100 कर दिया और उसके बाद आपके सामने बिल आ जाएंगे कि ये जो ₹100 है किस किस बिल के पे कर रहे हैं, तो आप यहाँ से बिल को आप एंटर करते जाएंगे कंटिन्यूसली। उसके बाद आपके पास ऑप्शन है कि अब जैसे ये कैश पे आ जाता है तो यहाँ पे अगर मान लीजिए इन्होंने फोन पे किया या इनको बैंक आपको इन्होंने बैंक ट्रांसफर किया तो यहाँ पे स्पेस का बटन आपको यूज करना है मल्टीपल मोड ऑफ पेमेंट के लिए। अब देखिए यहाँ पे सारे ऑप्शन है आपके पास कि गूगल पे किया है इन्होंने या पेटीएम किया है। अगर ये गूगल पे पेटीएम कैसे बनाना है तो इसकी वीडियो बनी हुई है, आप मेरे चैनल पे विजिट करके देख सकते हैं इसको भी कि कैसे हमें क्रिएट करना है। तो अब सपोज कि इन्होंने जो है आपको कैश ही दिया तो मैंने कैश एंटर करके सेव कर दिया। अब दोबारा से जो है मैं बुक्स में जाता हूँ ऑल लेजर में और सर्च करूंगा शर्मा, तो देखिए अब इनसे मेरे को ₹13 और लेने हैं और आप यहाँ पे राइट हैंड साइड में देखेंगे तो इनकी डिटेल जो समरी डिटेल होती है यहाँ पे दिखाई देती है। तो देखिए आपके आपने इनको एक बिल इशू किया था ये जो 009 है, फिर इन्होंने कैश आपको 27 तारीख को दिया ₹100 का और बैलेंस उसका ₹13 का है। तो आप इस तरीके से अपने पेशेंट को जो आपके ग्रोसरी के कस्टमर हैं उनको आप इजिली जो है उनका उधार खाता मेंटेन कर सकते हैं, जब जब वो पेमेंट दे, जब जब आप उनको बिल दें ऑटोमेटिक ये सारी चीजें चलती रहेगी।
आई होप आपको ये चीजें बहुत अच्छे से समझ में आई होगी, और अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इसी तरह की इन्फॉर्मेशन और भी आपको मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।